पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मूड पर है। संवेदनशील स्थानों पर प्रशासनिक अधिकारी शांति समिति की बैठक कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ धर्मगुरु भी शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ था, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जिला शामली में भी प्रशासनिक अधिकारियों ने जुमे की नमाज को सकुशल कराने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली। आपको बता दें, शामली डीएम और एसपी लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक कर रहे हैं। न्यूज 9 लाइव टीवी के लिए सुनील राणा की रिपोर्ट। इस बारे में अपने तमाम मुसलमान भाइयों से खास तौर से अपील यही है कि जुमे की नमाज ही रहने दें। इसको किसी किस्म के तनाज़ो और झगड़े का सबब और ज़रिया ना बनाएं। जिस तरीके से हमेशा जुमे की नमाज होती है, इसी तरीके से जुमे की नमाज के लिए आएं और जुमे की नमाज से फारिग होकर अपने कामों में मशगूल हो जाएं। हालात नाजुक हैं, ऐसे वक्त में मुसलमानों को बहुत सब्र और सुकून के साथ में रहने की कोशिश करनी चाहिए। नतीजा अच्छा नहीं होता है, हमारी ज़रा सी चूक की वजह से हालात ख़राब होते हैं, निर्दोष लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जुमे की नमाज में जिस तरीके से मुसलमान इबादत के लिए आता है, तो इसको इबादत ही के तौर पर अदा करें। पहले भी कुछ जगह घटना हुई पश्चिम में, तो उसको लेकर क्या कहोगे, क्या प्रशासन की चूक रही कि क्या ये लोग स्थिति संभाल नहीं पाए? प्रशासन तो अपने तौर से पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि दो हफ्ते पहले कानपुर में ऐसा हो चुका था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। इसलिए इसमें प्रशासन की गलती या किसी नमाजी की गलती, यकीन के साथ में क्या कहा जा सकता है। बहरहाल जो भी कुछ हुआ, गलत हुआ है, वो गलती किसी की भी हो, जो गलत है वो गलत है। पिछले जुमे में ज्ञापन दे गया था, क्या इस जुमे में भी कोई ज्ञापन दे जाएगा? नहीं, जो बात हुकूमत तक पहुंचानी थी वो पहुंचा जा चुकी, इसलिए अब इस जुमे में किसी किस्म के ज्ञापन की कोई आवश्यकता और ज़रूरत बाकी नहीं रही। कल हमारी यहाँ जुमे की नमाज है, इसी के संबंध में हम लोगों ने सबसे अपील करी है कि शांति व्यवस्था बना के रखेंगे, किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। हम लोगों ने सेक्टर जोनल स्कीम भी लागू करी है और लगातार हम लोग थानों पे बैठक कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट में भी हम लोगों ने बैठक करी है, एक मैसेज देने के लिए कि हमारा जो शामली जनपद का नाम है कहीं खराब ना हो, और जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा से अच्छी रही है और आगे भी अच्छी बनी है। क्या मैडम, जुमे की नमाज है, कल अतिरिक्त पुलिस फोर्स की किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? अतिरिक्त पुलिस फोर्स हम लोगों को अलॉटमेंट हुआ है, उनको यूटिलाइज करेंगे, और सेक्टर जोनल स्कीम हम लोगों ने लागू करी है, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों को भी ड्यूटी दी है, वो लोग भ्रमणशील रहेंगे सुबह से, और यदि कोई ऐसी सिचुएशन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आती है तो हमें सूचित करेंगे। अगर कोई ज्ञापन देना चाहे उसके लिए क्या व्यवस्था है मैडम? ज्ञापन देने की व्यवस्था हम लोगों ने सबसे यही अपील करी है कि आज के दिन में या बाद में शनिवार में देंगे, कल के दिन में नहीं देंगे, और पहले से सूचित करके संबंधित SHO को SDM को पहले से बता दें, हम उसकी जो व्यवस्था है वो बनाएंगे।